नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार इंडिया और मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। मेरठ पुलिस ने मुठभेड़ में 50,000 रुपए के 2 इनामी बदमाशों को किया ढेर। मुठभेड़ के दौरान सीओ जितेंद्र कुमार सरगम को लगी गोली। घायल जितेंद्र को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के अनुसार ये दोनों बदमाश कुख्यात रोहित को पुलिस कस्टडी से फरार करने में शामिल थे। देखिए हमारी यह रिपोर्ट। जानकारी के मुताबिक लावड़ मार्ग पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने दोनों ओर से करीब 20 मिनट तक मार्ग को बंद करके रखा। दोनों बदमाश स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार थे। पुलिस के द्वारा घेराबंदी किए जाने पर बदमाशों ने फायरिंग करते हुए वहां से भागने की कोशिश की। वहीं पुलिस ने जब जवाबी फायरिंग की तो दोनों बदमाश ढेर हो गए और उनकी गाड़ी खेत में जा गिरी। मेरठ पुलिस के जांबाज अफसरों ने बदमाश रजत निवासी हरियाणा और अमित निवासी मुजफ्फरनगर को ढेर कर दिया। मुठभेड़ के दौरान सीओ जितेंद्र कुमार सरगम को गोली लग गई, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले की सूचना मिलते ही एडीजी प्रशांत कुमार और एसएसपी मेरठ अजय साहनी भी मुठभेड़ स्थल पर पहुंच गए। मैं निकुंज चौधरी, क्योंकि दौराला थाने के रहने वाले, उनकी स्कॉर्पियो 2 मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने छीनी थी पिस्टल दिखा के, और उसके बाद से वो लोग उनकी स्कॉर्पियो छीन के भागे थे। इस संबंध में थाना दौराला पे मुकदमा दर्ज हुआ, चेकिंग कराई गई। बाद में बदमाशों की मुठभेड़ दौराला में दौराला सलथाना रोड हुई, जिसमें से 2 बदमाश घायल हुए। हमारे 2 पुलिसकर्मी भी घायल हैं, सीओ दौराला और एक सिपाही दीपक, दोनों को भी फायर आर्म इंजरी। दोनों बदमाशों को पहले CSC ले जाया गया, वहाँ दोनों का प्राथमिक उपचार हुआ, वहाँ से डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की जगह पर किए गए। यहाँ पर एक उनमें से एक बदमाश की मृत्यु हो गई, दूसरा अभी क्रिटिकल स्टेज में इलाज चल रहा है। जो अभी जिसकी मृत्यु हुई है उसने अपना नाम जब CSC में गया पुलिस वालों को अंकित और शेरू, ये मंसूरपुर का रहने वाला है, और जो अभी जिसका इलाज चल रहा है वो रविंदर उर्फ रजत उर्फ कालिया, ये जिला हिसार का रहने वाला है। और ये दोनों बदमाश जो एक अभिरक्षा पुलिस अभिरक्षा से बदमाश छुड़ाया गया था उस केस में वांछित चल रहे थे, और आज सवेरे जब मुठभेड़ हुई थी तो वहाँ से संभवतः ये मोटरसाइकिल से भागे थे, क्योंकि उस समय 4 बदमाश थे, 2 मोटरसाइकिल। तो दोनों अब इस तरह से जो पुलिस अभिरक्षा से लोग जितने भी लोग उसमें थे, उस अभियोग में जिन्होंने भगाया था बदमाश, तो सभी अकाउंट फॉर हो चुके हैं। और टोटल 12 लोग थे, जिसमें से 7 अरेस्टेड हैं, 4 की डेथ हो चुकी है और 1 अभियुक्त कॉन्स्पिरेसी का विशेष है। सर, ये जो बदमाश थे, जो प्रोफाइल क्या है, कितने हजार की इनामी थे, कितना इतना इनाम है? बदमाश जो घायल हुए, जो घायल बदमाश और मृतक, दोनों पे 50,000 के इनाम। हरियाणा के बदमाश पे 50,000 का इनाम हरियाणा सरकार की तरफ से है, उसका लंबा आपराधिक इतिहास है। ये भी पूछताछ में पहले जो इंटेलिजेंस गैदर हुआ था उसमें पता चला था कि इसने बॉम्बे से भी 60 लाख की इसके बारे में तथ्य एकत्रित किए जा रहे हैं। और इसके अतिरिक्त जो दूसरा मृत बदमाश मंसूरपुर का, इसके भी लगभग 10-12 मुठभेड़ हैं। सर, टोटल कितनी मुठभेड़ के अंदर आज कितने अपराधी मारे गए, जो जोन के अंदर, मेरठ जोन के अंदर जो एक दरोगा भी मुजफ्फरनगर में मारे गए, और 2 बदमाश आज, जहाँ 1 बदमाश मारा गया, 1 आदमी क्रिटिकली इंजर्ड। खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ समाचार इंडिया पर, खबर से लेकर असर तक। धन्यवाद।